अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। आज मैं बना रही हूँ अपने चिंकी मंकी के लिए अच्छे अच्छे स्नैक्स। वो ये आज बच्चों के लिए है सब कुछ। तो ये मुझे सिर्फ इसके लिए ब्रेड और ये मैं आज दो ही सैंडविच बनाऊंगी। दो चीज़ स्लाइसेस चाहिए और ये बटर जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है। आप ये क्विक बच्चों के लिए स्नैक है, सैंडविच है और मील भी है फुल। बच्चे कभी चूजी होते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। जैसे मेरी छोटी वाली बेटी मुझे बहुत तंग करती, तो मैं उसके लिए बड़े सिलेक्टेड चीज़ें बनाती थी ताकि वो खुश होए। मैं काट छोटे छोटे पीसेस काट दें, छोटे छोटे सैंडविच की शेप दे लें, अपस कोई मोल्ड है उसकी शेप दे दें, तो बच्चे फिर बहुत शौक से खाते हैं जी। नाज़रीन ये देखिए, ये बटर लग गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पैन रखा है जी। ये जो बटर लगाया आपने, इसको आपने इस तरह रखना है और इसके ऊपर ये मैं चीज़ स्लाइस रख दूँगी खोल के बीच में इसके। ये मैंने चीज़ स्लाइस खोला है जी। बटर जो है अपसाइड डाउन करना है, ऊपर वाली इसकी ये बटर इधर रख दी है। इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है आपने जी। अभी एक साइड बन रही है, दूसरा भी रख दूंगी। अब इसको अच्छे से प्रेस करना पलट के, पहले उसको नहीं टच करना है, फिर इस तरह चीज़ के साथ ये जो है मिक्स हो जाएगा। इसको हल्की आंच पे आपने ग्रिल करना है। ये क्रिस्पी सा बहुत मज़े का लगता है। मैं तो किनारे साथ ही रखती हूँ, अगर आपके बच्चे नहीं शौक रखते तो आप उतार सकते हैं। वैसे मैंने तो अपने बच्चों को यही बताती होती हूँ कि फूड को ज़ाया नहीं करना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। दिस इज़ पार्ट ऑफ द ब्रेड, सो यू हैव टू ईट। ये हो गया। ये देखें, इस तरह से छुरी से आप ना काटें इसको, छुरी से भी अच्छा कट जाता है, लेकिन कैंची आप जो किचन की सिर्फ होए, जिस तरह मैंने रखी है, तो मैं इससे इस तरह काट लेती हूँ। ये देखें कितना अच्छा बना, छोटा सैंडविच। अभी हम आते हैं अपने दूसरे स्नैक की तरफ। ये मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा बंस बच्चों के लिए। ये भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसके लिए भी इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। ये वाले बन चाहिए, मोज़रेला चीज़ चाहिए या कोई सी भी चीज़ जो आपके बच्चे लाइक करते हैं, और वो चाहिए पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ये वाली सिंपल वाली बनाऊंगी, इजी एंड क्विक। आपके बच्चे उधर से खाना मांग रहे हैं तो आप जल्दी से बना सकते हैं। मैं ये वाली चीज़ लाई थी, एक तो क्रश वाली थोड़ी महंगी भी पड़ती है, ये आपको सस्ती पड़ जाती है, तो इस तरह मैं थोड़ा क्रश कर लूँगी। और जो बाकी बचे आप इतने इतने मैं काट के सैंडविच बैग वाले में डाल के, तो मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ, फिर ख़राब नहीं होती है। ये मैं अभी इस तरह से थोड़ा सा केचप ले लूँगी, उसमें थोड़ा सा ये ऑरिगेनो डालूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये क्विक एंड ईजी है होम मेड सॉस। ये आप अगर बच्चे फ़ौरन भूख के लिए ज़िद कर रहे हैं, आप इस तरह बना के और उनको फौरी जो है सर्व कर सकते हैं जी। अभी स्टार्ट करते हैं। पूरा आपने अराउंड जो है सारी चीज़ लगा लेनी है अच्छे से। ये अभी मैं दूसरा तैयार करूँगी। जिस तरह आपके अगर बच्चे सब्जियाँ पसंद करते हैं, तो थोड़ी सी आप कोई वेजिज बची या चिकन का सालन है, एक बोटी तोड़ के आप ऊपर लगा सकते हैं, कीमा बचा हुआ वो लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये चिकन है, मैं कुछ चिकन वाले बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ये बेकिंग डिश रखी है, इसमें मैं ऑयल स्प्रे करके हाँ
ये हम तीसरा तैयार कर लेते हैं। कुछ मैं ओवन में बना के दिखाती हूँ आपको, कुछ मैं आपको इसमें माइक्रोवेव में, जैसे आप बच्चे जल्दी जल्दी रो रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, तो फिर उसके, और एक मैं दो तीन आपको एयर फ्रायर में बना के दिखाऊंगी। जी मैं सादा चीज़ वाला बनाती हूँ, क्योंकि प्लेन चीज़ वाला भी बहुत मज़े का लगता है। ये जो है मैं इसको ओवन में रखती हूँ, एक चिकन वाला और, फिर मैं बस डन हूँ, और दो मैं दूसरे आपको दूसरे बना के दिखाती हूँ चीज़ वाले। ओवन में बहुत ही कम टाइम लेती हूँ, ये मैं ऊपर वाले पे रखती हूँ, बल्कि नीचे वाले पे रखती हूँ, और आप इसको चेक करते रहें। ये मैं आपको फ्रायर में बना के रख के दिखा रख दिए, इसी तरह ऑयल लगा के, और ये मैं दो पिज़्ज़ा इसमें रख दूँगी। थ्री मिनट्स दूँगी इसको। ये तीसरा जो है मैं माइक्रोवेव में रख रही हूँ, ये माइक्रोवेव में, ओवन में मैंने बनाया है, और ये जो है मैंने उसमें फ्राइड में बनाया, और यहाँ पे ये जो है माइक्रोवेव में। जी ये एक डिश हमारा हो गया स्नैक तैयार। अभी थर्ड की तरफ आते हैं। ये जो माइक्रोवेव वाला वो इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा, सॉफ्ट होएगा, और ये वाले जो हैं ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए ये देखिए, वाओ। और ये फ्रायर वाले भी बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बच्चे बहुत शौक से ये वाले खाते हैं, ये देखिए जी। ये भी हम तीसरे स्नैक की तरफ आएंगे। ये मैं बनाऊंगी स्क्रैम्बल एग जी, तो मैं ये आपको दो तरीके से बताऊंगी, एक मीठा और एक सॉल्टी। तो अगर बच्चे आपके अंडे नहीं खाते, इस तरह से बना के दें, मे भी ट्राई करें तो खा लेंगे, और वैसे बड़ों का भी ये बड़ा फेवरेट होता है। जी अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अभी जो है मैं नमक वाला बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, अच्छे से आपने बीट करना है। तो ये हो गया, इसको यहाँ रखते हैं। ये मैंने यहाँ पे ऑयल डाला, ये ऑयल हमारा गर्म हो गया। अभी आपने इसको ऐसे करते हैं। देखिए कितना अच्छा बन गया और कितना फ्लफी सा बना है ये, तो मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आज तो मेरी बेटी की ईद होने वाली है, छोटी वाली की, उसको बहुत ही ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी इसके ऊपर ऐसे ही थोड़ा सा डेकोरेट कुछ कर लेंगे। ये मैंने इधर खुद ही घर में थोड़ा सा ग्रीन प्याज इधर उगाया है, ये देखें, और इधर मैंने लहसुन और पुदीना लगाया। अभी ये उग रहा है, यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसे तोड़ के, बच्चे वैसे शौक से ये खाते तो नहीं है, लेकिन ये ग्रीनरी के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा उन्हें, ग्रीन ग्रीन, और इसको कोई वो नुकसान भी नहीं है। थोड़ा सा इसमें चीनी डालूँगी जी, एक टीस्पून से कम है, थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, मिक्स कर लूँगी इसे, इसमें अंडा तोड़ कर डालेंगे। ये मैं एक ही बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर मीठा ये मेरी बेटी खाती है, एक ही दूसरी वाली नहीं खाती। जी ये हो गया, तो मैं पैन रखा स्टोव पे, इस पर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी सेम। ये हो गया, ये चीनी ये पाउडर फॉर्म में ही थी, तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है।
से अगर आपके बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, प्ले डेट होती है, या फिर आपको वैसे बच्चों का स्नैक स्कूल में कभी होता है कि आज पेरेंट्स एक स्नैक बना के भेजें, या उनकी पॉटलक होती है, तो आप इस तरह से वैरायटी ऑफ फूड घर पे अरेंज कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, और बच्चे शौक से खाएंगे भी। आप इस तरह से क्यूट क्यूट सी प्लेट सेल में बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, तो आप ले लें और बच्चों का कंपटीशन रख दें, जो पहले ये ख़त्म करेगा फिर उसको अगली चीज़ मिलेगी, तो वो फिर बड़े शौक शौक में मिलके बहुत अच्छा खाना खा लेते हैं। ये देखिए, मैंने जिस तरह से छोटी इधर फ्रूट्स एक एक स्टिक ये हर बच्चे के लिए रख दें, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में काट के, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है। और जिस तरह मैंने ये गाड़ियाँ छोटी छोटी बना दी है, देखिए, और हर बच्चे की प्लेट में रखेंगे, सबको कार मिलेगी, और आपको पता है बच्चे गाड़ियों के बहुत ही शौकीन होते हैं, तो वो बहुत ही इसको इंजॉय करेंगे और बहुत मज़े से खाएंगे। अभी मेरी बेटी खा के बताएगी कि ये सब कुछ कैसा बना है, क्योंकि ये उसकी आज दोनों की फेवरेट चीज़ें बनी हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। और इसी तरह से मैं आपके लिए फिर नई नई रेसिपीज़ के साथ आती रहूँगी, बच्चों के और बहुत सारे स्नैक्स मैं आपको बताऊँगी। मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाती हूँ, ये मीठा वाला अंडा भी उसका फेवरेट है, खा के बताएगी कैसा बना है। कैसा बना बेटा? सो डिलिशियस, बहुत मजे का, थैंक यू सो माय मच। फेवरेट डिश। चलें, कल मिलते हैं एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ, और आपको इसी तरह मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।